धनुष मेरे पूर्वज देवव्रत को दिया था, जिस शिव धनुष को आज तक कोई नहीं उठा पाया, उसी शिव धनुष को बचपन में सीता ने खेलते खेलते ही उठा लिया था और हमें हैरान कर दिया था। उसी पल मैंने निर्णय लिया था कि मेरी पुत्री सीता उसी को वरमाला पहनाएगी जो इस शिव धनुष को उठाएगा और इसका चिल्ला चढ़ाएगा। मंत्री जी, सीता स्वयंवर की घोषणा की जाए। राज्यसभा में पधारे सभी क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और पराक्रम की परीक्षा का समय है। जिस किसी को भी अपने देवता पर भरोसा है, अपनी वीरता पर भरोसा है, वह मैदान में आए और इस धनुष का चिल्ला चढ़ाए। ये धनुष है शिव जी का, मैं इसे उठाऊंगा। ये सीता है, ये मेरी, मैं इसे ले जाऊंगा। अगर कर लेंगे छोकरे हर एक काम को, दुनिया में कौन जानेगा रुद्रांश के नाम को। अरे ये धनुष नहीं, धोखा है, धोखा। अरे अरे ये तो धोखा है, धोखा। हमने बोला पीछे मुड़, पीछे मुड़ गए। तगड़ दिन तगड़ दिन तगड़ दिन तगड़ दिन तगड़ दिन तगड़ दिन था।
सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। क्षत्रिय वंश का हो गया खात्मा, क्षत्रिय वंश का हो गया है खात्मा, ये जुबान पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर में ही बैठ कर, ऐसी शेखी जताना मुनासिब नहीं। राजन जवान को संभाल, और ऐसे असभ्य शब्द
मुंह से ना निकाल, यूं घर पर बुलाकर किसी का अपमान करना, ये कहां की अकलमंदी है, बल्कि आला दर्जे की खुद पसंदी है। यदि कुछ राजाओं ने धनुष का चिल्ला नहीं चढ़ाया तो आपने सबको ही कायर ठहराया। सोचते हो ना विचारते हो, जो कुछ दिल में आता है वही मुंह से निकालते हो। इस बदतमीजी का मजा इसी वक्त चखा देता और एक पल में खून की नदियां बहा देता। किंतु क्या करूं, बड़े भाई की आज्ञा ना मिलने से लक्ष्मण मजबूर है। जब तक सूर्यवंशी खानदान का एक बच्चा भी दुनिया में बहाल है, क्षत्रिवंश पर थप्पा लगाने की किसकी मजाल। देर करो तुम ये धनुष उठाओगे, आपका अगर राम के साथ, हाँ अगर राम के साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली बात। हे प्रभु, मैं तेरा नाम लेकर ये कार्य करने जा रहा हूं। आप सभी लोग अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। आजकल चले हैं नवरात्रि, और इन नवरात्रि में जो है बहुत सी जगह में रामलीला होती है। तो ये हमारी अर्की में हो रही है रामलीला। तो ये सीता स्वयंवर के कुछ दृश्य थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ये कुछ यादगार पल है जो मेरी वीडियो पर हमेशा रहेंगे। हम भी 12-13 साल से तो अर्की में हैं, तो हम रामलीला हमेशा देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ही श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। तो इनका ये जो प्यार है इसी तरह बना रहे, और उसके बाद जो है इनको 14 वर्ष तक जो है रामलीला करनी पड़ती है। उसके बाद जो आगे के बच्चे जो हैं वो रामलीला करते हैं। तो ये बहुत सालों से चला रहा है, काफ़ी सालों से जो यहाँ पे रामलीला होती है। तो इनका प्यार भक्ति भाव इसी तरह बना रहे, हम जहाँ भी रहें। तो ये मेरे साथ कुछ यादगार पल होंगे अर्की के यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो को पूरा देखना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो आपको वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना। और हमारी ये सभ्य संस्कृति है जिससे हमें जुड़े रहना चाहिए। जय श्री राम।